आईपीएल 2021 शुरू होते ही राजस्थान रॉयल्स की टीम को बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स आईपीएल 2021 से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम बेन स्टोक्स की रिप्लेसमेंट तलाश रही है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बेन स्टोक्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन से खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स की टीम में आ सकता है उस खिलाड़ी के बारे में फुल डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी बढ़िया होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, जिससे क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोज़ आपको हर रोज़ मिल रहेगी और गाइस जब भी मैं वीडियोज़ डालूंगा तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। इस ऐप का नाम है माई इलेवन सर्कल ऐप। जैसा कि आपको पता है आईपीएल शुरू होने वाला है, तो माई इलेवन सर्कल ऐप पर आप अपनी टीम बनाकर 1 करोड़ तक जीत सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 1500 रुपये का बोनस भी मिलेगा। उन्हीं 1500 रुपये को लगाकर आप अपनी टीम बनाकर आप यहां पर 1 करोड़ रुपये जीत सकते हो। इसके साथ ही आप यहां पर लीडर बोर्ड पर नंबर 1 आते हो तो आपको 2 करोड़ रुपये भी विनिंग अमाउंट मिल जाएगा। और आपकी टीम यहां पर वीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे, राशिद खान की टीम को बीट करती है तो आपको आपकी विनिंग प्राइस का 5 गुना पैसा मिलने वाला है। और अब रणवीर सिंह भी माई इलेवन सर्कल के साथ जुड़ चुके हैं तो आप उनके साथ अपनी टीम बनाकर खेल सकते हैं। और भी कई सारे ऑफर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और 1500 रुपये तो आपको वैसे भी मिलने वाला है। तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स की टीम के पहला मैच में यानी कि पंजाब किंग्स के अगेंस्ट जो मैच था वहां पर क्रिस गेल का कैच पकड़ते हुए बेन स्टोक्स को इंजरी हुई थी। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम बेन स्टोक्स की रिप्लेसमेंट तलाश रही है। अब बेन स्टोक्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर आरआर की टीम कई ओपनर्स को ढूंढ रही है, क्योंकि आरआर की टीम के लिए बेन स्टोक्स ओपन करते हैं तो आरआर की टीम भी ओपनर्स को ही ढूंढ रही है। वो ऑलराउंडर्स पर ज़्यादा नहीं ध्यान दे रही, वो ओपनर्स पर ध्यान दे रही है। और आरआर की टीम के पास ऑप्शंस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो बात करते हम सबसे पहले कि कौन से खिलाड़ी आ सकते हैं, तो सबसे पहला जो बड़ा ऑप्शन है वो है एलेक्स हिल्स का। एलेक्स हिल्स के नाम की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी नीलामी से पहले, क्योंकि बिग बैश लीग में इनका प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहा था। और बहुत बड़ा सरप्राइजिंग ये था कि आईपीएल 2021 के ऑक्शन में एलेक्स हिल्स अनसोल्ड चले गए थे, लेकिन इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर आरआर की टीम में एंट्री हो सकती है। इनके चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, इनका पहुंच भी बहुत अच्छा रहा है, इंडिया में भी खेल चुके हैं, आईपीएल का भी इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बात करते हम दूसरे ऑप्शन के बारे में तो वहाँ पर नाम आता है डेवन कॉनवे का। डेवन कॉनवे न्यूजीलैंड के ये क्रिकेटर है, काफ़ी तगड़े T20 के बल्लेबाज हैं। इनके जो आंकड़े हैं T20 में वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, न्यूजीलैंड की टीम के लिए बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया है। इनका भी एक सरप्राइजिंग एंट्री हो सकती है, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है और ये भी आ सकते हैं रिप्लेसमेंट के तौर पर, इनकी भी सरप्राइजिंग एंट्री हो सकती है। डेवन कॉनवे की बात की जाए तो ये T20 में तो बहुत अच्छा करते हैं, इनका 150 के अराउंड स्ट्राइक रेट रहता है और अच्छी खासी ये बल्लेबाजी कर लेते हैं। बात करते हम तीसरे ऑप्शन की तो वहाँ पर नाम आता है एरन फिंच का। एरन फिंच का ऑप्शन बहुत लेट मैंने इसी वजह से रखा है कि आईपीएल में इनका प्रदर्शन बहुत बुरा रहता है। पिछले सीजन हमने देखा था कि कितने बुरी तरीके से एरन फिंच फ्लॉप हुए थे। ऑप्शन जरूर इनका रहेगा, आरआर की टीम के लिए खेल भी चुके हैं एरन फिंच, लेकिन इनके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि आईपीएल 2021 में आरआर की टीम इनको बुलाए। अगर बेस्ट ऑप्शन की बात की जाए और जो लग रहा है जिनकी एंट्री हो सकती है आरआर की टीम में, वो है दोस्तों एलेक्स हिल्स की। जी हाँ दोस्तों, एलेक्स हिल्स की बेन स्टोक्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर आरआर की टीम में एंट्री हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि एलेक्स हिल्स आरआर की टीम में आते हुए नजर आए। एलेक्स हिल्स की बात की जाए तो इनका पहुंच काफ़ी अच्छा रहा था बिग बैश लीग में और इंडिया में भी। ये सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के लिए आईपीएल में खेल चुके हैं, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने क्रिकेट खेली है तो इनको इंडियन पिचेस का अनुभव है। और राजस्थान रॉयल्स की टीम ओपनर की तलाश में है तो एलेक्स हिल्स ही मेरे हिसाब से तो बेस्ट ओपनर होने वाले हैं बेन स्टोक्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर। बेन स्टोक्स की रिप्लेसमेंट तो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, लेकिन आरआर की टीम को उनकी जगह पर किसी को तो अपनी टीम में शामिल करना पड़ेगा। वहां पर मेरे हिसाब से तो एलेक्स हिल्स का ही ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है। एज अ ओपनर की बात की जाए, इन प्लेयर्स की बात की जाए तो एलेक्स हिल्स का ही ऑप्शन अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो गाइस आपके मुताबिक राजस्थान रॉयल्स की टीम को बेन स्टोक्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर किस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। वहीं पर गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना,
जिससे क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस आपको हर रोज मिल रहेगी। और गाइस जब भी मैं वीडियोस डालूंगा तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी।